अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? तो मैं भी हूँ, आप भी होगे। खैर, वीडियो इस तरह से शुरू नहीं हुई है। शुरू जिस तरह से हुई वो तो आपने देख ली है। अभी मसला ऐसा है कि मैं ऐसे क्यों शूट कर रहा हूँ तो बहुत बड़ी कहानी है। अभी आप बस आगे मेरे साथ रहिए, मैं आपको सब बताऊँगा, धीरे धीरे बताऊँगा, ठीक है भाई? अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं कहाँ गया, ये मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे आ गया। तो मसला ऐसा है कि मैं हूँ गुजरात में, बड़ौदा में, और मैं यहाँ कर रहा हूँ जॉब। जॉब में क्या कर रहा हूँ इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। अभी बात ये करनी है कि क्यों क्यों इसके सामने मैं क्यों आ गया। इसके सामने मैं इस वजह से आया कि कुछ क्लिप का नहीं बताना है। वसीम एक अनार के पीछे जो दो बीमार थे उसमें से एक वसीम, जिसको आप जानते हो, दूसरा बासित। तो बासित और वसीम आ रहे हैं बड़ौदा। क्यों आ रहे हैं वो आप आगे देखो, या तो टाइटल में देख के आपको पता चल गया होंगे बासित और वसीम यहाँ क्यों आ रहे हैं। कैसे आना हो आपका? आए थे नमीरा की तलाश में। अरे याद मत दिलाओ। फोटो ले उसका। मैं वीडियो ले रहा हूँ। तुम वसीम और बासित आए थे, इनको आईफोन लेना था। आईफोन अगर आपको लेना है और आपका बजट, फॉर एग्जांपल आपको 13 प्रो लेना है, 13 प्रो के प्राइस मार्केट में है कितनी है, 1 लाख समथिंग समथिंग, 20 समथिंग समथिंग। लेकिन जहाँ से हम लोग ने लिया, आपको 13 प्रो कितनी प्राइस में मिलेगा, शायद 90 या 94 में। 13 प्रो आईफोन का ओरिजिनल विथ बॉक्स, और क्या चाहिए, लाइक मारवंस है तो मुमकिन है। मोबाइल लिया हमने मारवंस से, मारवंस बड़ौदा के, आई थिंक बड़ौदा के अंदर तो ये सबसे बेस्ट और सबसे बजट में आप जहाँ से बेस्टेस्ट आईफोन खरीद सकते। मेरे पास नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो गरीब लोग आईफोन के ख्वाब छोड़ दो, ठीक है? पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। कि मिसाल मेरा दोस्त वसीम 600 किलोमीटर दूर से 6 महीने में 2 बार आ रहा है बंदा, एक बार ले जा रहा है आईफोन 12 प्रो, सेकंड टाइम आ रहा है 11 प्रो लेके जा रहा है आईफोन का, ठीक है? तो हम गए वहाँ वहीद भाई मारवंस, वहीद बदामी इनका नाम है, सबको पता है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं। इनका क्या है, ये कौन है, ये क्या करते हैं, और ये सस्ते क्यों देते हैं। सस्ते से बहुत फ़ायदा है भाई, लो खरीदो आईफोन खरीदो, कुछ पड़ा हुआ नहीं है EMI में। मेरे में तो भाई बहुत कुछ है। हमारा मसला ऐसा है, जो अपने पास वो बेस्ट। बैकग्राउंड में जो साउंड आ रही है इसको इग्नोर करो, क्योंकि इसके ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हो। माइक मेरे पास नहीं है, ये साइड में ठीक आ रहा है। हाँ, तो मेरे पास अभी माइक भी नहीं है कि मैं सही से आपको वीडियो क्वालिटी तो दे, नहीं वीडियो क्वालिटी तो 4K दे रहा हूँ, तो मैं सुनूंगा नहीं, ठीक है? ऑडियो में थोड़ा एडजस्ट करो, ऑडियो का मसला रहेगा ही थोड़ा बहुत। मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, कैमरा मेरे पास है नहीं, मेरा कूल वाला बैकग्राउंड भी मेरे पास नहीं है। मुँह तो दिखा, मुँह तो 13 के माला
सैयद अब्दुल बादी कितने का लिया तूने? नहीं भाई, चीजों की कीमत नहीं पूछा करते, सपनों की कोई कीमत नहीं होती लाला। काफी के चोरी माँ, काफी के चोरी माँ। हाँ तो तुम लोग ने लिया सेकंड है गाइस, ये चीप प्राइस में लेवा है जेलवड़ी से, नया है चीप प्राइस में, ये सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी नहीं फोर्थ कॉपी। पहली बात तो टाइटल रहेगा गेस हु गॉट अ न्यू आईफोन। हम लोग ने एंजॉय बहुत किया, बहुत लाइक मतलब मॉल गए तो वहाँ तो मजे किए। बॉलिंग वाला सीन यार, ये दो होते तो मैं सुना देता कि बॉलिंग वाला हम लोग का क्या सीन था, बट मैं वो सुना नहीं सकता। पहले जब हमको म्यूज़ियम जाना था तो म्यूज़ियम के लिए लेट हो गए, इन लोग ने मोबाइल लेने में ही बहुत टाइम लगा दिया। लाइक 5 बजे म्यूज़ियम बंद होता है, हम उस जगह जा रहे 6 बजे। फिर ज़ू जाना था, ज़ू भी सेम 5 बजे बंद होता है, हम जा रहे 6:30 बजे। दिन वहाँ आईफोन और वो हो रहा। इसमें सलमान भाई वाली कौन सी? बाकी ज़ू बंद हो गया। वैसे तो हम आए थे ज़ू में हिरन देखने, पर हिरन तो दिखी नहीं, तो नेक्स्ट टाइम इस बॉम्बे सेंट्रल इज ऑन कमिंग दिस बॉम्बे गाड़ियाँ चलाई इसमें भाई, जो ठोका 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 अलग लेवल का। वसीम मासूम ही रहेगा, वसीम से नहीं हो पा रहा था। हाँ बातचीत में चलाई अच्छी चलाई, पर भाई तुम्हारा हीरो भी है और प्रो भी है, अच्छी चलाई थी बातचीत में। इस इंसान को टोकने की दिल भाई आज पूरी होती है।
और सजनों, खुशी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला। इसके बाद हमको जाना था मॉल। मेरी गाड़ी तो मैं ले नहीं गया था, घर पे रख दिया था, क्योंकि ट्रिपल सी का मसला हो जाता है पुलिस वाले। इस पे भी किसी और दिन बात करेंगे। तो वहाँ एक चाचा थे, रिक्शे वाले चाचा, चलो चलो चलो। मैं बोला ठीक है चलो, कितना लोगे? बोले तुम कितना दोगे? मैं बोला 40 रुपये। चाचा बोले नहीं चलेगा भंजे भतीजे। देन मैं बोला चाचा अपना बताओ। चाचा बोलते 90 रुपये। मैं बोला नहीं होगा, 50 दूंगा फाइनली। चाचा बोले नहीं 80 दे देना, हो जाएगा, 3 लोग। मैं बोला चाचा कैंसल, नहीं जाना है, तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है। देन आगे बढ़े, टाइम स्लैप शूट किए ये। ओ खर किन्नी वार सीने विच खुबियां, सुर में दे विच दो में अखा डुबियां, किन्नी सोनी लगे जदों चुप कर जे, चांदी चांदी शामां नूं भी चुप कर जे। तो मसला ऐसा था कि ये जो टाइम लैप्स है इतना खूबसूरत लिया है वसीम तूने भाई, बहुत खूबसूरत। इस पे ना भाई मैं यूजुअली नहीं करता हूँ, बट यहाँ मुझे अपने एक शेर याद आ गया। मैं अपना मीन्स मेरा लिखता है भाई तुम्हारा, कि मेरी एक ख्वाहिश उसका दुपट्टा अटके मेरी घड़ी में, मेरी एक ख्वाहिश कि उसका दुपट्टा अटके मेरी घड़ी में, हम खो जाए वक्त थम जाए और फिर ना देखो घड़ी में, खत्म मुकर्रर कि उसका दुपट्टा अटके मेरी घड़ी में, मेरी एक ख्वाहिश कि उसका दुपट्टा अटके मेरी घड़ी में, हम खो जाए वक्त थम जाए और फिर ना देखो घड़ी में। ये उस लेवल का टाइम लैप्स लगा मेरे को। चल वसीम भाई बहुत ओपी काम किया है तूने, हेड्स ऑफ टू यू माय ब्रो, माय मैन, माय निका। कुछ स्लो मो ली है ये जना, आपको स्लो मो लेनी थी, वसीम भाई को स्लो मो लेनी थी, इसको मेरी स्लो मो ख़राब करनी थी। ये बातों को आगे कनेक्शन जोड़ना कि मेरी स्लो मो किसको ख़राब करनी थी और किसको स्लो मो लेनी थी, ठीक है? मैं हर बात डेप्थ में बताते नहीं बैठूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। देन चाचा स्लो मो ले रहे, मैं बोला वसीम मैं ओला डाउनलोड करता हूँ, मेरे पास था बट अब नहीं है, क्योंकि गाड़ी आ गई तुम्हारे भाई के पास, पहले बहुत स्ट्रगल किया है, रिक्शा से गए हैं, पैदल आए हैं रात में। देन ओला डाउनलोड हुआ, सुनो ओला पे पहला ये जो रिक्शा का अवेलेबल ऑप्शन आया, सामने से बंदे की कॉल आई, कहाँ जाना है? मैं बोला इन ऑर्बिट मॉल। कितने लोग? मैं बोला 3 पर्सन, वी आर 3 ब्रो। तो बोलते ठीक है, कहाँ हो? मैं बोला यही, मैं लोकेशन बताई, एग्जैक्ट लोकेशन बताई कि शायद बाग के पास बाहर खड़े हुए 3 लोग हैं, 2 इसमें तमाशे कर रहे रोड पे, स्लो मो लेते। देन इसके बाद क्या हुआ? अच्छा बोले ठीक है, बोले मैं पीछे खड़ा हूँ, पीछे देखो। मैं पीछे देखता हूँ तो एक हाथ हिला हिलता हुआ दिख रहा है, रोती हुई छोटी सी शक्ल के साथ। यह हाथ किसका था? यह हाथ था उन्हीं चाचा का जो मांग रहे थे 80 रुपीज़। भाई उस बंदे से ख़राब किस्मत मैंने किसी की नहीं देखी है। मेरे पास 2 बार हो चुका है कि मेरे से सामने वाला बंदा 200-150 रुपये मांग रहा है, मैं ओला से बुक करा रहा हूँ, वही बंदा आ रहा है कितने में? 40 रुपये में या 60 रुपये में। देन फिर हम चाचा के पास गए। क्या हुआ चाचा?
बोले ये आ गया यार, तुम्हारा ही आया। तो हम बोले चाचा, हम बोले क्या, तुम्हारी किस्मत खराब थी। चाचा अस्सी मांग रहे थे, चाचा ने हमको 60 में ले गए, ठीक है 60, 62 हुआ था। फिर हम पहुँचे वहाँ, फिर भी हमने चाचा को 80 ही दिया। हम अच्छे लोग हैं, मैं साफ सीधे अल्फाज में मैं। अरे क्यों यार, वैसे तुम तो गिरने का मन हो। वो तो नहीं, यही निकाला हुआ है बाबा तेरा आईफोन का। कौन सा? वो तेरे फोन जो लिया था तूने। नहीं मेरे वहाँ के वो रेस्टोरेंट के वैसे रूम के। मॉल बहुत इंजॉय किया, मॉल फोटोज क्लिक की। इन लोग को फोटोज क्लिक करनी नहीं थी, भाई को तुम्हारे फोटोज क्लिक करनी नहीं होती। इसके वीडियो नहीं, इसके फोटो नहीं था। यहाँ से मतलब सेंटर से गया था नीचे, अब इसके फोटो भी मैंने नहीं, अब मैं जाऊँगा नीचे। फोटोजेनिक बनता क्या, फोटोज क्लिक करेगा मेरा भाई। बहुत खतरनाक वाला सेल्फ ऑब्जेक्ट तुम, बहुत होना भी चाहिए बंदे को। कह रही है बातों में गौर नहीं करे, जो बंदा आपसे बात कर रहा है उसी पे गौर करे। लाइक खैर तो मसला ऐसा है, इन लोग को जाना था, इन लोग की रिटर्न की टिकट भी रात की ही थी, तो इन लोग को जाना भी था। जाना था मतलब खामगांव जाना था, घर जाना था, महाराष्ट्र से जाना था, और मेरे को अपनी जॉब जाना था नेक्स्ट डे से। दिन शाम में हम गए खाना खाए, अकोड़ा ब्रिज पे गए, ब्रिज पे इंजॉय किया बहुत टाइम। अब जो भी थोड़ा बहुत याद आएगा डाल दूँगा, ठीक है। और स्पेशल थैंक्स टू फैयाज़ भाई, जिन्होंने परमिशन दी कि मैं उनके ड्रोन फुटेज अपने व्लॉग में, अपने वीडियो में शूट कर सकता हूँ। थैंक यू फैयाज़ भाई, थैंक यू मैन, मीन्स अलॉट, अप्रिशिएट इट। बहुत ओपी वर्क है भाई का, भाई के जो वो लोग जो ड्रोन शॉट्स हैं ना भाई, वैसे तो मैं बड़ा सख्त लौंडा हूँ, पर यहाँ मैं पिघल गया और आप भी पिघल ही जाओगे ब्रो। चलो मिलो फिर। चलो मिलते फिर। ये ना कोई भरोसा नहीं।
थोड़ा बहुत भी मेरे से मिस हो रहा है उतना तो मेरे को भी पता है मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, बट एडजस्ट कर रहा हूँ कि नहीं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कवर कर लूँ, एक वीडियो में ही सब कवर कर दूँ। कुछ फुटेज पुरानी है, कुछ फुटेज नहीं है, और मसला ऐसा ही इसी से शूट करना है, इसी में एडिट करना है। बैकग्राउंड की आवाज़ है बहुत तकलीफ देगी, जब नीचे से जस्ट नीचे जस्ट नीचे एज आई सेड अर्लियर के भाई मैं सेल्फ अपसेट हूँ बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे गौर ना करें, जिम जाना है, पेट बहुत बढ़ चुका है, इस पर किसी और दिन बात करेंगे, फिर भूल गया मैं। चलिए अब के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़, मिलते हैं फिर इसी तरह किसी और दिन, अगर ज़िंदगी रही, उम्र रही, तो अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।